नमस्कार दोस्तों, ज्ञान तीर्थ चैनल में आपका स्वागत है। ये MCQ इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम 2018 के लिए सितंबर मंथ के हैं। ये आप मेरे बारे में थोड़ा बहुत देख सकते हैं। मेरा नाम मृत्युंजय सिंह है। मैंने गेट क्वालिफाई किया है सन 2011 से 2016 के बीच में, और मेरी ए रैंक आई है 148 वगैरह, और मैंने यहाँ जॉब फाइनली जॉब में सिलेक्शन हुआ है MTNL BBNL वगैरह में, और मैंने राठी क्लास में पढ़ाया है, और इसके अलावा मैंने बहुत सारे और गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर किए हैं। तो पहले सवाल पे आते हैं। H5N1 वाज इन न्यूज रिसेंटली, इट इज़ कंसर्न विद विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। H5N1 कौन सी डिजीज है? ये एवियन इन्फ्लुएंजा है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियन टाइगर पॉपुलेशन, इंडिया की टाइगर पॉपुलेशन के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? नॉर्थ वेस्ट क्लस्टर कंसिस्ट ऑफ टाइगर फ्रॉम रणथंबोर, ठीक है, ये सही है। रणथंबोर में, नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है रणथंबोर, और वहाँ पे टाइगर्स होते हैं। द टाइगर फ्रॉम सेंट्रल क्लस्टर हैव द लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी, नहीं गलत बात है, ठीक है, ये लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं है, रणथंबोर में लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी है, ठीक है। तो आंसर है ए, वन ओनली। तो नॉर्थ वेस्ट क्लस्टर जो है वो रणथंबोर है, साउदर्न साउथ इंडिया का, और सेंट्रल जो है वो तराई, और सेंट्रल नॉर्थ ईस्ट जो नॉर्थ ईस्ट है, और सेंट्रल इंडिया वो वाला पूरा पोर्शन है। वाइल रणथंबोर की पॉपुलेशन है वो लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी वाली है, क्यों है? क्योंकि वहाँ पे जो है मतलब वो पूरा और टाइगर्स के एरिया से कट हुआ हो रखा है, इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग, एक सेकेंड, विच पार्ट ऑफ द सन इज विजिबल, ठीक है, सोलर एक्लिप्स के दौरान कौन सा पार्ट जो है सन का वो विजिबल होता है? सोलर एक्लिप्स होता है तो उसमें कौन सा पार्ट केवल किनारे किनारे का विजिबल होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे कोरोना बोलते हैं। तो आंसर क्या है? बी, सॉल्यूशन है इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस, UFC, तो इसकी पार्ट कौन कौन सी कंट्रीज है? इटली, पाकिस्तान, अर्जेंटीना, कंबोडिया, तो ये सारी हैं यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस जो कंट्रीज़ हैं, उन्हें कॉफ़ी क्लब भी कहा जाता है। ये कंट्रीज़ वो कंट्रीज़ हैं क्योंकि इंडिया और G4 जो है ना, जो कंट्रीज़ P5 में आना चाहती है, परमानेंट 5 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के P5 में जो कंट्रीज़ आने के लिए कोशिश कर रही हैं G4, उन कंट्रीज़ का विरोध करने के लिए इन्होंने ग्रुप बनाया है। इसमें कौन कौन है? इटली है, पाकिस्तान है, अर्जेंटीना और कंबोडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट का मतलब है, ये एक्ट बनाया गया है कि मतलब प्रेगनेंसी को जो टर्मिनेट कर देते हैं ना, बच्चा जो गिरा देते हैं, उसके लिए, तो उसके लिए भी एक प्रावधान है, तो आजकल ये काफ़ी न्यूज़ में था, तो ये आ सकता है। इट डज नॉट अलाउ अबॉर्शन अबाउ गेस्टेशन एज ऑफ 24 वीक्स, ठीक है, तो ये 24 वीक्स जो है वो नहीं है, ठीक है, ये है 20 वीक्स, ठीक है। इट प्रोवाइड्स द लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी शैल नॉट अप्लाई इन डिसीजन ऑफ अबॉर्शन फीटस डायग्नोज विद सब्सटेंशियल फीटल एबनॉर्मलिटीज एंड एलिज्ड बाई प्रेगनेंट वुमेन टू हैव कॉज्ड बाई रेप, ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी वजह से अगर प्रेगनेंसी हो रही है तो उसे कोई भी प्रेगनेंसी के लिए ऐसा अप्लाई नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या होता है? नीदर वन नॉर टू, ठीक है, किसी भी प्रकार की प्रेगनेंसी जो 20 वीक्स से ऊपर है उसे ये प्रोहिबिट करती है। अगला है, कंसीडर द फॉलोइंग कमेटीज, इन कमेटीज़ के बारे में बताइए कि इनमें से कौन ये कमेटी किससे रिलेटेड है, ठीक है, मुदलियार, श्रीवास्तव कमेटी, बजाज कमेटी, ये सारी कमेटी हेल्थ से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टिबेटियन एंटीलोप, ठीक है, टिबेटियन एंटीलोप कौन है? ये है तिब्बत का एंटीलोप, ठीक है, तो ये क्या है? इट इज लिस्टेड इन शेड्यूल 1 वाइल्ड लाइफ एक्ट, ये बिल्कुल शेड्यूल 1 में होता है। तो शहतूस इज वोवन, इसकी जो खाल होती है ना, उसके फर से, खाल और फर से जो है ये शहतूस वोवन किए जाते हैं, एक तरह का कोई शॉल टाइप बनाई जाती है, तो इसलिए इसका शिकार किया जाता है, उसकी वजह से ये थ्रेटेंड है, तो ये नियर थ्रेटेंड है IUCN की लिस्ट में, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ दिस कंट्री टेक पार्ट इन मिलिट्री एक्सरसाइज मालाबार, मालाबार एक्सरसाइज जो है वो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ये कौन कौन सी कंट्रीज करती हैं? ये इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स और जापान करती है, ठीक है। इसमें पूछ सकते हैं इसके साथ में कि ऑस्ट्रेलिया करती है कि नहीं करती है,
या फिर सिंगापुर करती है कि नहीं करती है, नहीं करती है, ये सब ऑब्जर्वर है, ठीक है। तो ये नेवल एक्सरसाइज है इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स और जापान की, किसे चाइना को काउंटर करने के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। किम्बर्ली प्रोसेस सर्टिफिकेट स्कीम KPCS जो है वो किससे रिलेटेड है, ये कॉन्फ्लिक्ट डायमंड से रिलेटेड है, ठीक है, डायमंड से रिलेटेड है। तो ब्लड डायमंड जो मूवी है ना वो इसी पर आधारित है। तो ये प्रोसेस जो है सर्टिफिकेशन है कि किसी भी तरह से ये कॉन्फ्लिक्ट डायमंड जो है वो मेन स्ट्रीम में ना आ पाए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लेव्यू जीनस ऑफ फिश, ठीक है, इस जीनस के बारे में कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। फिशेज ऑफ लेव्यू जीनस आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इनलैंड वाटर बॉडीज ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, बिल्कुल सही है, इनलैंड वाटर बॉडीज में। और रोहू जो है इस स्पीसीज का एक पार्ट है जो कि ना मेजरली इंडिया में पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ वन एंड टू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ इंटरनल फ्रॉड, इंटरनेट फ्रॉड ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब की बार ये वानाक्राई और पेटिया वगैरह हुए थे तो इंटरनेट और भी, मतलब ये तो रैंसम वेयर थे, इंटरनेट फ्रॉड में कौन कौन सी चीज़ें और आती हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ये कैट फिशिंग, क्रैमिंग और क्लिक फार्म, ठीक है। तो क्लिक फार्म तो आपको पता होगा कि कोई यूट्यूब वगैरह या किसी भी चीज़ चैनल पे यहाँ पे एडवर्टीजमेंट आते हैं, तो एडवर्टीजमेंट को क्लिक करने के पैसे मिलते हैं जिसकी साइट पे ये क्लिक किया जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि गरीब लोगों को, उनको अपने कंप्यूटर से बैठा देते हैं और क्लिक करने के लिए उनको बैठा देते हैं ताकि वो इतना पैसा कमा लेते हैं, इतना पैसा उनको देना नहीं पड़ता, मतलब उन्हें प्रॉफिट हो जाता है। क्लिक फार्म ऐसी चीज़ है, कैट फिशिंग और क्रैमिंग भी इसी तरह के ये इंटरनेट फ्रॉड्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ब्लू कार्बन इज कार्बन स्टोर्ड इन कोस्टल एंड मरीन इकोसिस्टम, ठीक है। तो भारत के या फिर किसी भी जगह के मरीन इकोसिस्टम में, जो कोस्ट में मरीन इकोसिस्टम में जो कार्बन सिंक होता है उसे क्या बोलते हैं, ब्लू कार्बन बोलते हैं, ठीक है। जैसे भारत में इधर की साइड को इस जगह पे सुंदरबन वगैरह है ना, वो सब जो है इसी इकोसिस्टम के पार्ट है। ब्लू कार्बन इनिशिएटिव स्टार्टेड यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, तो ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने नहीं इनिशिएट किया था, इसके इनिशिएटिव लिया था कंजर्वेशन इंटरनेशनल CI, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN और IOC यूनेस्को, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, वन ओनली, ठीक है, आंसर हो जाएगा ए, वन ओनली, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्रेस्टेड ब्लैक मकाक, ठीक है। तो ब्लैक मकाक जो है इसके बारे में कौन कौन सी चीज़ें सही हैं, ये ब्लैक मकाक है सुंदर सा, ठीक है, सेल्फी लेता हुआ। तो इसके बारे में कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है, इसके बारे में सही है कि ये टिल लिस्टेड क्रिटिकली एंडेंजर्ड, IUCN की क्रिटिकली एंडेंजर्ड में लिस्टेड है, सही बात है, ठीक है। इट इज़ नेटिव टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में तो ये पाया जाता है और भी जगहों में पाया जाता है। इट इज़ फ्रूगिवोरस, बिल्कुल सही बात है। तो ये केवल इंडियन नेटिव है ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, वन एंड थ्री, ठीक है, वन एंड थ्री आंसर हो जाएगा सी। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द सुंदरबंस मैग्रूव फॉरेस्ट लाई इन द डेल्टा ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना रिवर ऑन द बे ऑफ बंगाल। तो ये सही बात है, सुंदरबन के जो है वो मैंने अभी बताया था कि इस जगह पे पाए जाते हैं सुंदरबन, ठीक है। तो वो वहाँ पे किस किस का डेल्टा है, गंगा ब्रह्मपुत्र और मेघना रिवर का डेल्टा है। सुंदरबंस नेशनल पार्क इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बिल्कुल सही बात है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, आंसर हो जाएगा सी, बोट वन एंड टू। कैसे हो फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नाथुला पास, ठीक है। तो नाथुला पास के बारे में कौन कौन सही है, इट कंटेन्स इंडियन इट कनेक्ट्स इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम टू तिब्बत, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ये इंडियन स्टेट ऑफ तिब्बत को कनेक्ट करता है, इंडियन स्टेट की सिक्किम को तिब्बत से कनेक्ट करता है, और अभी ये बंद कर दिया गया था। इट हैज़ बीन क्लोज फॉर ट्रेड 1962 से बंद था, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये अब बंद किया गया, ये अभी पता नहीं 1980-85 के आसपास खोल दिया गया था और अभी बंद किया गया था डोकलेम इशू के आसपास, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा वन। कैटालोनिया जो है वन ऑफ द रिचेस्ट और मोस्ट हाईली इंडस्ट्रियलाइज रीजन है, किस देश का, ये है स्पेन का, ठीक है। तो ये स्पेन का नक्शा है ये वाला, ठीक है, और इसमें कैटालोनिया ये जो रीजन है जिसमें तीर लगा हुआ है, रीजन देख लीजिए लाल लाल वाला, केवल इतना एरिया, केवल जो इतना एरिया है ये कैटालोनिया है, ठीक है, वहाँ का एक राज्य है, बहुत प्रॉस्परस है, ठीक है, ये अपने ये स्पेन से अलग होना चाहता है। अ केमिकल कंपोनेंट दैट इज़ फाउंड इन ऑल वायरस, ऑल वायरस में कौन कौन सा केमिकल कंपोनेंट पाया जाता है, प्रोटीन, DNA, RNA, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है। तो DNA
किसी एक वायरस में डीएनए हो सकता है, दूसरे वायरस में किसी में आरएनए नहीं हो सकता है, तो ये सब गलत है। ग्लाइकोप्रोटीन भी गलत है, केवल प्रोटीन है जो हर एक वायरस में पाया जाता है। तो आंसर किया जाएगा ए। नेक्स्ट कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टेटमेंट अबाउट नॉर्दर्न रिवर टेरापिन। नॉर्दर्न रिवर टेरापिन कौन है? ये है, ठीक है। नॉर्दर्न रिवर टेरापिन ये क्या है? ये नेटिव है इंडिया बांग्लादेश के, सही बात है। ये साइट्स के अपेंडिक्स टू में नहीं है, और ये बहुत फ्रेश वाटर और ब्रैकिश वाटर में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी 1 and 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स बॉर्डर द रखाइन स्टेट ऑफ म्यांमार, ठीक है। रखाइन स्टेट ऑफ म्यांमार में कौन सी इंडियन स्टेट बॉर्डर करती है? कोई इंडियन स्टेट बॉर्डर नहीं करती है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दी अबव, ठीक है। इसमें ये किसे, ये रखाइन स्टेट जो है वो बांग्लादेश से टच होती है, ठीक है। ये बांग्लादेश है, इधर की साइड को म्यांमार पड़ेगा, तो म्यांमार के बांग्लादेश के इस हिस्से को टच करती है हल्का सा, ठीक है। तो वहीं से ये लोग रखाइन, इंडिया डज नॉट शेयर बॉर्डर विद द रखाइन स्टेट ऑफ म्यांमार, ठीक है, याद कर लीजिए। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा सही है? कर्नाटका इज फर्स्ट स्टेट टू रोल आउट एन इलेक्ट्रिक व्हीकल एनर्जी स्टोरेज पॉलिसी, बिल्कुल सही बात है। फेम इंडिया स्कीम इज अ पार्ट ऑफ नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान NEMMP, ये सही बात है। तो आंसर किया जाएगा बोथ 1 and 2। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फॉरेस्ट प्लस, फॉरेस्ट प्लस प्रोग्राम के बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट सही है? तो इसमें से देखते हैं, इट इज़ बायलेटरल प्रोग्राम बिटवीन इंडिया एंड यूएस टू डेवलप सॉल्यूशन टू सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंड यूज इंडिया, बिल्कुल सही बात है। यूएस हेल्प कर रहा है इंडिया की। इट प्रिपेयर्स इंडिया टू इम्प्लीमेंट सक्सेसफुली रिड्यूसिंग द एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, ये भी सही बात है। यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, ये पार्ट ऑफ द प्रोग्राम है, बिल्कुल सही बात है। तो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम सबमरीन में यूज होता है, इन सबमरीन्स, तो इसके बारे में कौन कौन सी चीज़ें सही हैं? AIP modules have gave stealth and extended endurance to diesel electric submarines by allowing them to stay submerged longer, ठीक है। तो ये एयर इंडिपेंडेंट सबमरीन जो होती हैं, इनको सांस लेने के लिए ज़मीन से ऊपर नहीं आना पड़ता है, मतलब पानी के सरफेस से ऊपर नहीं आना पड़ता, पानी के अंदर ही रहती है। जब अंदर रहेंगे तो ऑब्वियसली इसकी स्टील्थ जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा, स्टील्थ कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। DRDO is developing a fuel cell based air independent propulsion system, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर क्या हो जाएगा? वोट 1 and 2, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? प्रॉपर डिजाइन एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन UNREDD+ प्रोग्राम इज सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू, ठीक है। तो ये कंट्रीब्यूट किस चीज़ को कंट्रीब्यूट करता है? प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बिल्कुल सही बात है। रेजिलियंस ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम और पॉवर्टी रिडक्शन, तीनों चीज़ों को हेल्प करता है। आंसर क्या हो जाएगा? डी 1, 2, 3। तो रिडक्शन ऑफ एमिशन एंड डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन RED+ इसका नाम है, ठीक है। तो इससे पता लग जाएगा कि ये क्या क्या इसके ऑप्शन सही हैं, इससे पता लग जाएगा नाम से। तो गूगल तेज इज एसोसिएटेड विद, गूगल तेज किससे एसोसिएटेड है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है ये गूगल तेज। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन स्टेट लेजिस्लेचर ओनली इन द रिकमेंडेशन ऑफ किसके? गवर्नर के, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली लोकसभा में कौन करता है? मनी बिल प्रेसिडेंट, उसकी रिकमेंडेशन में केवल पास होता है, ठीक है। तो ये याद कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शेयर बॉर्डर विद नेपाल? नेपाल के साथ में कौन कौन सी स्टेट शेयर करती है? उत्तराखंड है, यूपी है, बिहार है, सिक्किम है, और ये कौन सा है? ये है वेस्ट बंगाल, ये याद रखना है, ये भूल जाते हैं, ठीक है। वेस्ट बंगाल इस जगह पे यहाँ पे टच करता है। तो कौन कौन से जाएंगे? अरुणाचल प्रदेश नहीं होगा, असम नहीं होगा, बिहार होगा, वेस्ट बंगाल होगा, सिक्किम होगा, ठीक है। तो क्या जाएगा? 3, 4, 5 कौन सा है? ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? CNG मीथेन सही है, और LPG प्रोपेन, ठीक है। तो CNG जो होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, वो मीथेन से होती है। LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये प्रोपेन से होती है। ये हमारे घर में यूज़ करते हैं, CNG कार वगैरह में यूज़ करते हैं, याद कर लीजिए इसे। हमस जो है वो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हमस ग्रुप, ठीक है। ये आतंकवादी संगठन टाइप का है। तो ये कौन से देश का है? ये है फिलिस्तीन का, ये इज़राइल फिलिस्तीन जो अपना इशू है उसके ऊपर है। तो ये इंपॉर्टेंट है, हमस ग्रुप। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट किंडल क्राफ्ट।
ठीक है, इस क्राफ्ट के बारे में कौन कौन सी बातें सही है। इट इज ट्रेडिशनल वुडन क्राफ्ट लोकल फ्रॉम उड़ीसा। उड़ीसा का नहीं है ये किन्नल क्राफ्ट है नॉर्थ कर्नाटका का, ठीक है, कर्नाटक का है ये एक डिस्ट्रिक्ट, किन्नल या कोप्पल डिस्ट्रिक्ट का है, ठीक है। तो ये जो है और दूसरा स्टेटमेंट है, इट हैज़ बीन ग्रांटेड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जी आई टैग इसे दिया जा चुका है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो क्या नहीं सॉरी हाँ टू सही है क्योंकि पहला उड़ीसा गलत है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ओनली, टू ओनली, ठीक है, इसे जीआई टैग दिया जा चुका है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ठीक है। तो ये क्या बनाते हैं, टॉय बनाते हैं, छोटी छोटी मूर्तियाँ होती हैं भगवान जी की वो। फोल्ड स्कोप क्या है, फोल्ड स्कोप एक तरह का माइक्रोस्कोप है जो कि कागज और लेंस से बनता है, ये बहुत ही सस्ता बनता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, ये नन ऑफ दिया हो, ये इनमें से कोई नहीं होगा, फोल्ड स्कोप ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है, ठीक है। तो ये कागज से बनता है, बहुत सिंपल ही हो, बहुत सस्ते बन जाता है। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्रह्मपुत्र बायोडाइवर्सिटी एंड बायोलॉजी बोर्ड B4, ठीक है। तो इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, द फर्स्ट लेबोरेटरी अंडर द ब्रह्मपुत्र बायोडाइवर्सिटी बोर्ड इनिशिएटेड विद विल कवर द स्टेट ऑफ असम, ठीक है। तो ये असम को कवर करेगा, सही बात है। इट विल प्लेस अ बार्ज इक्विप्ड विद लेबोरेटरीज टू ये सॉइल को एनालाइज करने के लिए, और जितने भी वहाँ पे प्लांट्स माइक्रोब्स और वाटर जो है डिफरेंट पॉइंट ऑफ द रिवर को ये करेगा, ठीक है, एनालाइज करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्विबिट्स, ठीक है, क्विबिट्स के क्यूबिट्स या जो भी बोलते हैं इसे क्यूबिट्स, इसके बारे में कौन कौन सी बातें सही हैं। तो जो बिट्स के बारे में सही है, इसके बारे में सही नहीं है, ठीक है। बिट्स क्या होता है, 0 और 1 होता है। तो इट कैन एग्जिस्ट इन बोथ 0 और 1 स्टेट एट द सेम टाइम, बिल्कुल सही बात है। इट कैन अरेंज, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 बिट्स, ऐसा नहीं है, ये 0 और 1 ही को 0 और 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज़ फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ क्वांटम कंप्यूटर, बिल्कुल सही बात है। तो ये जो है थियोरेटिकली एक स्फीयर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जैसे स्फीयर के 2 पोल्स होते हैं, उन्हें 0 और 1 बोलते हैं, लेकिन इसमें 0 और 1 डिजिट दोनों ही ये ले सकता है क्यूबिट्स। तो ये थोड़ा सा कुछ हायर मैथमेटिक्स है, इसमें कुछ क्वांटम मैथमेटिक्स है। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1 और 3, ठीक है। तो 2 गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें 4 बिट्स नहीं, 2 ही बिट्स होती हैं, 0 और 1 पे ही, 1 के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अगला, गोल्डन ट्रायंगल किसे बोलते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में है ये। तो गोल्डन ट्रायंगल जो है वो है अफीम से रिलेटेड, यहाँ पे है ना अफीम पैदा की जाती है गोल्डन ट्रायंगल में बहुत ज़्यादा। तो ये इसे क्या आंसर हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा एक्सटेंसिव ओपियम प्रोड्यूसिंग एरिया है, ठीक है, अफीम पैदा करने वाला एरिया है। तो ये कौन कौन से देश में है, ये है बर्मा यानी कि म्यांमार, लाओस और थाईलैंड, इन 3 देशों में पड़ता है, ठीक है, गोल्डन ट्रायंगल। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट INS कलवारी, ठीक है, INS कलवारी के बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। तो डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है, बिल्कुल सही बात है। ये प्रोजेक्ट 75 इंडियन नेवी का, सही बात है। ये रशिया के साथ नहीं बनाया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है फ्रांस के साथ में, ठीक है। तो पढ़ लीजिए, प्रोजेक्ट 75 इंडियन नेवी का है और डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन बनाई जा रही है, स्कॉर्पिन क्लास की सबमरीन है ये। रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लोकेटेड, रूपपुर जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, रूपपुर बांग्लादेश में लोकेटेड है, ये इंडिया और रशिया मिलके बना रहे हैं बांग्लादेश में, ठीक है, पावर प्लांट, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहे हैं बांग्लादेश में, ठीक है। अगला है नीला करंजी इज फाउंड, नीला करंजी जो है ये नीला करंजी है, नीले कलर का होता है, ठीक है। ये कहाँ पर पाया जाता है, ये पाया जाता है ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है। तो इट इज़ सर फाउंड इन द वेस्टर्न घाट्स इन साउथ इंडिया, और नीला करंजी ब्लॉसम ओनली 12 ईयर्स, 12 साल में केवल एक बार ऐसा फूल आते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। अगला है रिसेंटली लॉन्च्ड सौभाग्य स्कीम, ठीक है, सौभाग्य स्कीम किससे, ये बिजली से रिलेटेड है। तो क्या हो जाएगा, रूरल एंड अर्बन इलेक्ट्रिफिकेशन, गरीब लोगों के घर में बिजली लाने के लिए। तो इसका सौभाग्य का नाम है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, सौभाग्य स्कीम, ठीक है, तो इसे याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वुलर लेक, ठीक है, वुलर लेक के बारे में कौन कौन सी बातें सही है। तो वुलर लेक जो है वो सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक इंडिया, बिल्कुल सही बात है।
ये एशिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक्स में से एक है। इट इज़ फेड बाय चिनाब रिवर, नहीं चिनाब नहीं है, झेलम रिवर के द्वारा किया जाता है। और द टुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट इज लोकेटेड जस्ट बिलो द एग्जिट ऑफ बुलर लेक, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर किया जाएगा 1 and 3। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग ठीक है, हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग के बारे में कौन कौन सी बातें सही है। तो इट कैन बी यूज टू कैलकुलेट न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज अदर मिनरल्स इन द सॉइल ठीक है, उसकी हेल्थ के बारे में जानने के लिए, बिल्कुल सही बात है। इसरो इज गोइंग टू लॉन्च ये क्रिटिकल चिप जो है ये डेवलप करी है इसरो ने और इसे ये लॉन्च करने वाले हैं, बिल्कुल सही बात है। आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टूरिज्म इन इंडिया ठीक है, टूरिज्म के बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। तो अडॉप्ट हेरिटेज प्रोजेक्ट, बिल्कुल सही बात है, अडॉप्ट हेरिटेज प्रोजेक्ट जो है वो हेरिटेज साइट को इंट्रस्ट करेगा, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज जो है अडॉप्ट करेंगी और इंडिविजुअल भी अडॉप्ट कर सकते हैं फॉर डेवलपमेंट और टूरिस्ट एमिनिटीज ठीक है। और इनक्रेडिबल इंडिया 2.0 कंपेन ठीक है, ये भी चलाई जा रही है ठीक है, ये सोशल मीडिया के द्वारा चलाई जाएगी। और इंडियाज़ ट्रैवल टू टूरिज्म सेक्टर रैंक 7th इन द वर्ल्ड, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भारत का टूरिज्म सेक्टर जो है वो 7th है वर्ल्ड में उनकी जीडीपी में, सॉरी उनकी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने के लिए 7th नंबर पे हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूट क्या करता है, टूरिज्म सेक्टर करता है, ट्रैवल एंड टूरिज्म, तो ये हमें जरूर याद रखना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, डी ऑल ऑफ द अबव। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन, तो प्लीज़ इसे आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इंस्टीट्यूट और भी लेक्चर डाले जाएंगे। तो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग।